में 8 लाख के लूट का पुलिस ने किया खुलासा। अब खबर विस्तार से। बीती 21 जून 2021 को देवबंद के लालवाला रोड पर स्थित शमशान घाट के निकट सहकारी समिति लिमिटेड बैंक के सचिव विनोद कुमार त्यागी से 4 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 8 लाख रुपए की लूट की थी। देर रात मुठभेड़ में पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 छात्र लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक कर्मी से लूट के 8 लाख रुपए में से 5,82,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इसके साथ एक फोर व्हीलर, 3 पिस्तल, 15 जिंदा कारतूस, 2 अवैध तमंचे व अन्य सामग्री के साथ ही पुलिस ने मुठभेड़ में इन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो देवबंद, बड़गांव, मेरठ व हरियाणा के रहने वाले हैं। यह गैंग अंतर्राज्य गैंग के रूप में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। इसी महीने 21 तारीख को थाना देवबंद के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो ग्रामीण बैंक रहते हैं उसके कर्मचारी से 8 लाख रुपए बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए थे। इसमें हमारे जो SOG टीम और थाना टीम अथक प्रयास करके इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को भी पकड़ा गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। इन लोगों के पास जो नाजायज असलाहा और जो लूटे गए जो पैसों में 5,82,000 रुपये अभी तक बरामद हुआ है और जो कारतूस बरामद हुआ है इनके पास से। तो ये इसमें एक कर्मचारी वहाँ भी काम करता था उसी ग्रामीण बैंक पे, वो भी इसमें रिकी करने में और ये बदमाशों में सहयोग देने में उनका रोल है और उनका भी गिरफ्तारी किया गया है। और शेष अभियुक्तों के पास जो बचे जो पैसा है वो है, उनका गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया गया है और पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। हाँ, पुराना इतिहास है इन लोगों का। अभी हाल ही में इसमें 302 में इसका विकास का जो है और अन्य अभियुक्तों का भी क्रिमिनल इतिहास है और इनका और मतलब कौन कहाँ कहाँ इनका कनेक्शन है इसमें काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो कर्मचारी कौन है? आरिफ 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 जो शामिल रहने